नमस्कार, यूपी न्यूज में आपका स्वागत है। यूपी की सभी बड़ी खबरों पर डालते हैं नजर। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। जुड़े रहिए बलिया न्यूज के साथ और पाइए सभी ताज़ा अपडेट। गोरखपुर में चिता की राख से खेली गई होली। गले में सांप नर मुंड की माला पहने भक्तों ने किया शिव तांडव, खूब उड़े रंग गुलाल। टीम इंडिया ने बस में खेली होली, विराट कोहली ने डांस किया, रोहित सुतुरिया ने उड़ाया गुलाल, गिल ने शेयर किया वीडियो। WPL में दिल्ली ने दिया 212 रन का टारगेट। दो ओवर में वायरिस के तीन झटके, हिली नवगिले ने बाद श्वेता शेरात की आउट। LKG के बच्चे ग्रेजुएशन की किताबें नहीं पढ़ सकते, राहुल गांधी के बयान पर नंदी का पलटवार। कहा, टिप्पणी भारत को कमजोर करने के लिए टूल किट का हिस्सा बनी। अयोध्या में मोदी योगी का क्रेज, भगवा गुलाल रंग और बुलडोजर पिचकारी की डिमांड, मुखौटे भी खूब खरीद रहे लोग। अयोध्या में खेली गई परंपरागत होली, सराफा कारोबारियों ने लोगों को रंग गुलाल लगाकर एकता का दिया संदेश। आजमगढ़ पुलिस ने 9 गाय तस्करों को किया गिरफ्तार, 1 क्विंटल से अधिक प्रतिबंधित मांस बरामद। छूटा जानवरों को काटकर स्कॉर्पियो में करते थे बिक्री। मथुरा में 125 बेटियों को मिला 6,37,000। देवकी नंदन महाराज ने दिया चेक, वृंदावन के प्रियकांत जू मंदिर में हुआ आयोजन। लड्डू जलेबी लट्ठमार और फूलों वाली होली, वृंदावन में प्रियकांत जू मंदिर में खूब झूमे विदेशी भक्त, कथावाचक देवकी नंद भी खेली होली। अमेठी में गैंगस्टर की 11 लाख की अधिक संपत्ति कुर्क, SDM को CO ने मौजूदगी में कराई कार्रवाई, ढोल नगाड़ों में कराई गनी मुनादी। होली को लेकर पुलिसकर्मी का फ्लैग मार्च, बाइक रैली भी निकाली, लोगों को सुरक्षित त्यौहार मनाने का दिया निर्देश। बलिया में भोजपुरी सिंगर पवन सिंह को लाइव शो में पत्थर मारा, जाति के से जुड़ा गाने गाने के लिए मना किया तो बवाल मचा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बलिया में दो पक्षों में हुई मारपीट, 12 लोग घायल। चली आ रही पुरानी रंजिश, खेत में तार और बांस बल्ली लगाने की छोटी सी बात पर चले लाठी डंडे। कैंटोनमेंट बोर्ड में 7वीं पास के लिए नौकरी, महिला एवं बाल विकास विभाग में 10वीं-12वीं कैंडिडेट्स के लिए 5714 मौके, मिलेंगे 30,000 तक सैलरी। पुराने लखनऊ में निकला परंपरागत होली का जुलूस, हिंदू मुसलमानों ने साथ खेली होली, डिप्टी CM ब्रजेश पाठक भी रहे मौजूद। 30 सालों में पहली बार बिना रद्द किए हुआ एग्जाम, UP बोर्ड में परीक्षा में 54 लाख स्टूडेंट शामिल, गड़बड़ी करने वाले 85 के खिलाफ हुआ FIR। UP में कोरोना के 17 एक्टिव केस, प्रदेश में 24 घंटे में मिले 4 नए मरीज, सोनभद्र और लखनऊ में सबसे ज़्यादा केस मिले। आगरा में शौक पूरे करने के लिए करते थे बाइक चोरी, पुलिस ने 3 मोटरसाइकिल सहित 3 चोरों को भी किया गिरफ्तार। आगरा में श्री कैलाश महादेव मंदिर में मनाया गया होली समारोह, ब्रिज में कई रसिया के साथ राधा कृष्ण स्वरूप के नृत्य। वाराणसी जंक्शन पर 1 करोड़ कैश के साथ 2 गिरफ्तार, झारखंड के रहने वाले हैं, पिट्ठू बैग में भरकर ले जा रहे थे 500 के नोट। काशी पहुंचे 631 टैटू बनवाने वाले अभिषेक, मसाने की होली खेली, शहीदों के घर से मिट्टी लेकर कारगिल में समर्पित करने वाले नेशनल अवार्ड जीता। वाराणसी में 80 घाट पर गंगा आरती के दौरान भक्तों पर पुष्प वर्षा, काशी में फूलों से मनाया जा रहा है होली का विशेष पर्व। फोटो वीडियो में देखिए यूपी में होलिका दहन, काशी की गंगा आरती में श्रद्धालुओं पर बरसे फूल, 2000 जगह पर होलिका जलाई गई। रायबरेली में मिठाई खोवे की दुकान पर लिया गया सैंपल, मानक की जाँच करने पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट, दुकानों में मचा हड़कंप। प्रयागराज में पकड़ा गया रेलवे ई टिकट का फर्जी कारोबारी, 1,42,000 के 95 रेलवे टिकट, 49 ID कंप्यूटर सिस्टम बरामद किए गए। मुजफ्फरनगर में सुख समृद्धि की कामना के साथ होलिका दहन, लोगों ने की पूजा अर्चना, मंत्रोच्चव संग 1,132 स्थानों पर जलाई गई होलिका दहन। बरेली सेंट्रल जेल में सिपाही समेत 2 अरेस्ट, अतीत अहमद के भाई पूर्व विधायक अशरफ को बिना पर्ची से मुलाकात कराता था, सिपाही जेल में ही की गई थी व्हाट्सएप कॉल। उन्नाव पुलिस लाइन्स में धू धू कर जली होलिका, मुख्य यजमान के रूप में पुलिस अधीक्षक रहे मौजूद, शांतिपूर्ण होली मनाने के दिए निर्देश। कानपुर में सिलेंडर से घर में लगी आग, घर की गृहस्थी जलकर हुई राख, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। रंगोत्सव में सराबोर हुआ कानपुर, होलिका दहन के साथ ही होली की धूम, प्रेम सौहार्द के साथ हाई वोल्ट पर किया गया डांस। मेरठ में खेली गई लट्ठमार होली, वृंदावन की तरह महिलाओं ने पुरुष पर बरसाए लठ। प्रियंका गांधी के PA संदीप पर मेरठ में मुकदमा, अभिनेत्री अर्चना गौतम के पिता ने बेटी का अपमान करने पर कराई FIR। यूपी की बड़ी खबरें, पीलीभीत हादसे में DM की पत्नी और उनकी बहन हो गई घायल, बाइक सवार को बचाने के कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। इसी के साथ धन्यवाद, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और जुड़े रहिए बलिया न्यूज़ के साथ।